हेलो नमस्ते, कैसे हो फ्रेंड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम विमल है और मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए फेस मसाज। और फेस मसाज कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लाइनें बन जाती हैं और ऐसे ऐसे किसी किसी के ना ऐसे भी बन जाता है, तो इसको हम कैसे हटाएंगे और ये आप सबको मैं बताती हूँ फ्रेंड। मैं कैसे अपने फेस की केयर करती हूँ, आप सब घर बैठ के अपने फेस की केयर करें। बट हाँ, एक बार जाके मंथ में पार्लर पे एक बार जाके आप फेशियल और ब्लीच करा लें और उसके बाद बीच में अपने फेस की केयर करते रहें। और उससे क्या होएगा कि अगर हम अपने फेस की अच्छे से केयर करेंगे तो हमारी एज कम दिखेगी और अच्छा, मतलब फेस पे कुछ होता भी नहीं है और अच्छा इम्प्रूवमेंट फेस पे लगता है। और मैंने लिया है एक मसाज जेल और साथ में लिया मैंने गुलाब जल। अब इसको मैं मसाज करूँगी। देख सकते हैं आप, हाथ मेरा फास्ट चल रहा है बट स्किन पे इतना प्रेशर नहीं डाल रहा हमें। मैं ऐसे फ्रेंड अपने फेस की केयर करती हूँ। मंथ में आप फेशियल कराएं, क्योंकि फेशियल कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं घर पे मैं अपने फेस की केयर ऐसे करती हूँ। मैंने हाथ में अप्लाई किया मैंने गुलाब जल, यहाँ 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 ब्लैक से हो जाते हैं ना किसी के। और ये चीज इसके लिए हम करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे फिंगर रखेंगे और ऐसे करके ये ऐसे मैं एक ब्यूटीशियन भी हूँ फ्रेंड, इसीलिए मैं सोचा आप सब ब्लॉग में कुछ नॉलेज की बात भी बता दूँ। और जैसे ऐसे फेस पे ना ऐसे से बन जाता है अगर हम नहीं ध्यान देते तो आप यहाँ पे ऐसे फिंगर रखने हैं ऐसे, और मुंह में थोड़ी सी हवा भरनी है। आप पहले हवा भरनी है, उसके बाद जब ऊपर ले जाएंगे तो हवा को निकालनी है। आप देख रहे हैं ये प्रेशर पॉइंट होते हैं यहाँ पे। यहाँ भी होते हैं। हैंड को ब्रश करेंगे, अपनी आईज पे रखेंगे।
पिंचिंग, आईब्रो पे पिंचिंग, और थम से अपने यहाँ रखना है, थोड़ा सा प्रेशर देना है, फिर उसके बाद ऐसे होंगे फ्रेंड मसाज। मसाज करने के बाद मैं लगा लूंगी पैक। आइस को थोड़ा सा छोड़ के लगाएंगे। पैक में मैंने क्या क्या डाला है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आप सबको शेयर करूँगी, और नेक्स्ट टाइम जब पैक लगाऊँगी तो मैं बताऊँगी कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। आप देख सकते हैं कैसे लगा रही हूँ, ब्रशिंग मेरी हमेशा ऊपर को होनी चाहिए, ऐसे देखो आप सब ऐसे करना। ये टाइटनिंग का पैक है फ्रेंड। हफ्ते में एक बार अगर आप ऐसे किसी भी जेल से या मसाज क्रीम हो अगर आप उसको मसाज करके, पर हाँ डायरेक्शन का आप सब बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर डायरेक्शन हमारे फेस की जैसी है वैसी ही मसाज, अगर मसाज अच्छी सी नहीं कर पाए तो किसी प्रोफेशनल जो भी हो पार्लर पर जाके वहाँ आप करा लेना, क्योंकि खुद खुद भी केयर करना, बट जैसे स्किन किसकी कैसी है, किसी पे क्या होता है ना, कोई कोई ऐसे रगड़ रगड़ के पूरी स्किन बर्न कर देते हैं, तो आप ये सब चीज़ें का ध्यान रखना कि फास्ट हैंड को फास्ट चलाना है बट नो प्रेशर, उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए स्किन पे, और आपकी स्किन फिर उसके बाद अगर बढ़िया से मसाज हुई तो बिल्कुल ग्लो आ जाएगा और खिलती और निखरती हुई कुछ साफ़ सुथरी स्किन हो जाएगी फ्रेंड। मैं ऐसे ही अपने फेस की केयर करती हूँ, और फ्रेंड आप सब अगर मैं एक्सरसाइज भी मैं करती हूँ, अगर आप सबको जैसे किसी की बैक प्रॉब्लम है, टेलबोन की भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, क्योंकि किसी किसी के दर्द होता है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी एक्सरसाइज बताऊंगी कैसे मैं अपने आप को फिट करती हूँ। बाय। अभी मैं पैक लगा लिया, मैंने सूख रहा है, सोच रही हूँ थोड़ा सा ड्रायर लगा लूँ ताकि जल्दी सूख जाए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए अभी मैं थोड़ा सा